देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। केलंबी मिशन के तहत मोटिवेशनल कार्यक्रम रेनबो पब्लिक स्कूल में हुआ संपन्न। कई जीत कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। श्री वर्मा। देवेंद्र नगर के प्रतिष्ठित स्कूल रेनबो पब्लिक स्कूल में केलबी मिशन के तहत मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वाधान में ऊर्जा संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में चीफ इंजीनियर सागर द्वारा बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ाई व मन लगाने की टिप्स बताए, साथ ही साथ किसको क्या बनना है उसके अनुरूप गाइडलाइन दी गई। चीफ इंजीनियर चिप सागर कांतिलाल वर्मा द्वारा बच्चों को हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ ही किसी भी काम को पीछे पड़ने के लिए कहा, और साथ ही साथ वहां पर कहा गया कि जो चीज समझ में नहीं आती उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और कहा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही पत्रकारों से चर्चा भी उन्होंने अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण कैसे करना है इसके बारे में जन जागरूकता फैलाई, साथ ही गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का उनका टीम कोशिश कर रहा है। रेनबो स्कूल एक बार फिर सिद्ध कर चुका है कि उनसे आगे कोई नहीं है। चीफ इंजीनियर विद्युत मंडल द्वारा रेनबो स्कूल की तारीफ की गई। उन्होंने बच्चों की भी तारीफ की और कहा ऐसे बच्चे मुझे हर जगह मिले तो मेरा मन ऐसे काम में लगा रहे। लोग कोशिश करते हैं कि हम उनकी मदद कर पाए, जैसा कि हम हर चीज में देख रहे हैं कि अब हमें हर चीज के लिए आदमी को समझाना पड़ रहा है। जल संरक्षण, जैसे आज मैं पहली बार देवनगर में देख रहा हूँ, ऊर्जा संरक्षण और भी चीजों को बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों समय आ गया है कि हमें हर चीज के लिए आदमी को समझाना पड़ रहा है। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी ही। कोई चीज मुझे नहीं आती है तो मुझे सुनना होगा, सीखना होगा, और मेरा धर्म और मानव धर्म ये कहता है कि अगर मुझे आ गया तो मैं आपको भी प्रेरित करूं। हमने जो सिस्टम बनाया है, चेन बनाई है कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको जोड़ूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, आप भी लोगों को जोड़िए, समझाइए, बताइए। मुझे उम्मीद है कि ढेरों संस्था इस लाइन पर काम कर रही है तो मेरी भी संस्था काम कर रही है, हम लोग इस पर काम करके लोगों को प्रेरित करेंगे, समझाएंगे, तो घर घर ये मिशन पहुंचेगा, लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, शिक्षित होंगे। ये मुख्य उद्देश्य। आपसे मिलकर हमारे मीडिया ग्रुप को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने अभी ऊपर देखा, बच्चे आपकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे थे, उसके लिए हमारे मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। और भी सारे माध्यम उपयोग कर रहे हैं, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बच्चों ने कांटेक्ट, यहाँ मध्य प्रदेश के ढेर अलग अलग जिलों के बच्चे हैं जो लगातार कांटेक्ट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, साथ ही यदि जरूरत हुई तो उनको अपनी क्लास में भी भर्ती करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। इसमें अलग अलग हमारी फैकल्टीज हैं, कई IAS हैं, IPS हैं जो बच्चों को समझाते हैं, कई दिल्ली के और बड़े शहरों के प्रोफेसर हैं, कैसे पढ़ना, कैसे बढ़ना, क्या करना, ये भी बच्चों को समझाते हैं। और मुझे उम्मीद है, बहुत आशा है हमारे इस मिशन को, जो निःशुल्क निस्वार्थ मानव सेवा के लिए काम कर रहा है, उम्मीद है कि चाहे पर्यावरण हो चाहे स्वास्थ्य हो, हम लोग पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करवाते हैं, 15 अगस्त का कार्यक्रम है, इसमें भी विशेष मतलब विशाल स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि में भी हम लोग अस्पताल जाते हैं, बच्चों को बड़ों अठवीं क्लास से ही जान जाए उन्हें आगे किस रास्ते पर चलना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ समय से जो हम कर रहे हैं तो बच्चे इस रास्ते पर चल रहे हैं, हर महीने उनके जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, उन्हें एक पॉजिटिवनेस आई है। जहाँ तक ऊर्जा संरक्षण की बात थी, चूँकि हम लोग बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं तो इन सब कामों के साथ साथ बिजली की बात भी करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण करिए, अपने बिजली के बिलों का पैसा भी समय पर जमा करिए। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा इसके साथ साथ बच्चों बड़ों को स्वस्थ रखना, खुश रखना और उनके जीवन को खुशहाल रखना। आपका KLB ग्रुप कब से सक्रिय है? KLB मिशन, ये हमने काम तो काफ़ी पहले शुरू कर दिया था, लेकिन इसको जो ऑफिशियल है ये पिछले 2 महीने सक्रिय है, ज़्यादा सक्रिय है। इसका यूट्यूब, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इसका वेबसाइट आदि सब बना हुआ है, जिसके सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। हमारी अपनी खुद की क्लास है जो ऑनलाइन चलती है, जिसमें जो नीडी बच्चे हैं, जरूरतमंद पात्र बच्चे, उनको हम लोग पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी स्कूल की फीस, उनकी कापी किताबें कुछ भी हैं तो हम लोग, हमारा परिवार अपने अपने आपसी सहयोग से उनकी मदद करता है। गवर्नमेंट से या किसी भी संस्था से या किसी भी सदस्य से हम लोग किसी प्रकार का रुपये पैसे फीस आदि नहीं देते। किसी भी बच्चे को यदि KLB मिशन के बारे में एडमिशन लेना है या उसके बारे में मोटिवेशनल जानकारी प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करें? यस, उसके लिए आज मैंने बताया कि मेरा मोबाइल नंबर है,
मैंने ईमेल है, मेरी वेबसाइट है तो मैंने वहाँ पर लिखी हुई है, उसके माध्यम से वो मुझे मिस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, वेबसाइट पर डाल सकते हैं, ईमेल पर डाल सकते हैं। सर, ऊर्जा संरक्षण के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है देवेंद्र में पहली बार कार्यक्रम हुआ है, तो हमें इस चीज़ की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं हूँ केएल वर्मा, चीफ इंजीनियर सागर संभाग। इसलिए आज देवेंद्र नगर का विजिट था, विजिट के साथ ही हम लोग कई कैंप इस समय आयोजित कर रहे हैं, वहाँ भी जाते हैं, और आज का जो कार्यक्रम था ये केएलवी मिशन के अंतर्गत का कार्यक्रम है, जो हम लोगों का मिशन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित कम से कम 5 स्टेट में चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ काम करते हैं। पहला काम ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, बताते हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए निःशुल्क, निस्वार्थ उनकी को शिक्षित करने के लिए काम करते हैं, उनका स्वास्थ्य और उनकी खुशहाली इसके लिए भी स्कूलों में, शहरों में बच्चों को, बड़ों को बताते हैं, समझाते हैं, प्रेरित करते हैं।